looks very afternoon, November, and in power system two subjects. We are discussing about frequency control and under frequency control. Yesterday we have seen how the frequency changes when demand of the system changes. So, एक बार हम फिर से उसी कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं. यहाँ पे एक तरफ आपको जनरेशन मिल रही है और एक तरफ डिमांड. तो पावर सिस्टम हमारा इसी तरीके से काम करता है. मीन्स मीन्स जनरेशन एंड डिमांड. जितनी हमारी डिमांड होती है उसी के हिसाब से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर जनरेशन जो है हमें करनी पड़ती है. तो एट दिस पॉइंट यहाँ पे जो जनरेशन है और ये जो डिमांड है दे आर बैलेंस्ड टू ईच अदर. और इस केस में जो फ्रिक्वेंसी हमें मिलती है वो हमें 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मिलती है. ठीक है, तो ये तो है नॉर्मल ऑपरेशन जब हमारा पावर सिस्टम नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है. ठीक है, अब क्या होता है कि इफ इन एनी केस यहाँ पे डिमांड अगर इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड इंक्रीज होती है इन जनरल. और जनरल की सैकल डिमांड हमारी हमेशा इंक्रीज हो ही जाती है. ठीक है, तो मान लेते हैं कि डिमांड हमारी कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो गई. और जब इतनी डिमांड हमारी इंक्रीज़ हो गई तो ये बैलेंस जो है इट विल कम डाउन. और अब इसको देख सकते हो कि जो बैलेंस है अब बिगड़ जाएगा और इस तरीके से ये बैलेंस यहाँ पे हो जाएगा. तो अब इस पर ऐसा समझ सकते हो कि जो बैलेंस बिगड़ा है तो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी जो कि कम है किससे 50 हर्ट्ज से. ठीक है, तो व्हेनेवर डिमांड इज हाई है ना, डिमांड बढ़ जाती है तो इट पॉइंट्स टुवर्ड्स कि फ्रीक्वेंसी हमारी रिड्यूस होती है 50 हर्ट्ज से. ठीक है, जो परसेंटेज चेंज है फ्रीक्वेंसी में भाई फ्रीक्वेंसी कितने परसेंट तक चेंज हो सकती है वो है हमारा 1%. तो 1% का चेंज हो सकता है फ्रीक्वेंसी में. 1% कितना हुआ 50 हर्ट्ज का, तो 1% ऑफ 50 हर्ट्ज इतनी अलाउड लिमिट है. ठीक है, तो कितना हो गया 1% ऑफ 50 हर्ट्ज इज 0.05 हर्ट्ज. ठीक है, 1% है ना, 1% कितना हुआ, कितना ही हुआ, 1.5 divided by 100 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 divided
आप समझ सकते हो कि अब हमारी डिमांड बढ़ती है, डिमांड इसमें विद इन जनरेशन, तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है हमारी यहाँ पे रिड्यूस। छोटे कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि डिमांड इंक्रीजेस मोर देन जनरेशन, तो फ्रिक्वेंसी हमारी रिड्यूस होती है, ठीक है। और इसके पीछे का कारण क्या है वो समझ लेते हैं एक बार। आपके पास होता है रोटर मास, ठीक है। तो रोटर मास जो होता है उसमें आपकी टरबाइन और जनरेटर, इनका कंबाइंड मास आप मान सकते हो कि आपकी जो टरबाइन है और जो जनरेटर है उसका कंबाइंड मास। टरबाइन और जनरेटर का कंबाइंड मास में क्या है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो रोटर मास क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और जब ये रोटेट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है काइनेटिक एनर्जी,
ठीक है। अब क्या होता है कि इफ डिमांड सडनली इंक्रीजेस, अगर डिमांड हमारी कभी भी इंक्रीज करती है, ठीक है, तो उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि अभी जो मैकेनिकल पावर है वो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि जो गवर्नर होगा उसको एक्ट करने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। डिमांड इंक्रीज, यहाँ पर डिमांड इंक्रीज होती है और इस डिमांड इंक्रीज की वजह से जो जनरेटर होगा वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रिकल आउटपुट बढ़ाएगा, क्योंकि डिमांड जब जनरेशन के बराबर होगी तभी फ्रीक्वेंसी बराबर कर पाएंगे। तो अगर डिमांड हमारी इंक्रीज होती है तो जनरेशन मस्ट इंक्रीज और ये जो जनरेशन मस्ट इंक्रीज लिखा है ये इसलिए भी लिखा है बिकॉज ये जो जनरेशन इंक्रीज है वो कहाँ से आएगा, ये जो स्टोर काइनेटिक एनर्जी है ना मोटर के अंदर वहाँ से आएगी, ठीक है। तो जो भी जनरेशन हमें एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, कहने का मतलब है कि अगर ये जनरेशन हमें इस लेवल तक पहुँचानी है तो यहाँ पे इस लेवल तक इस जनरेशन को पहुँचाने के लिए रोटर के अंदर, या आप कह सकते हो रोटर और जनरेटर जो रोटेटिंग मास है उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उन दोनों को क्या, उस काइनेटिक एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लूज करना पड़ेगा रोटर को। सो जनरेटर मस्ट इंक्रीज, जनरेशन मस्ट इंक्रीज बिकॉज रोटर लूजेस और रोटर मास लूजेस काइनेटिक एनर्जी स्टोर, तो सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है। तो कुछ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटर आपका लॉस्ट करता है जिसके कारण ये जो जनरेशन है उसको डिमांड के बराबर किया जाता है, और ऐसा करने में, ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में क्या होती है, जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस, क्योंकि हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हम अभी तक जो गवर्नर है ना उसने एक्ट नहीं किया है और जो स्टीम इनपुट है इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो अभी तक हम मान के चल रहे हैं स्टीम इनपुट इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर ईएम जो होगा वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा और ई जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी इन रोटर। तो शुरुआत से समझते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, डिमांड बढ़ी, ठीक है। डिमांड बढ़ने के कारण होगा क्या, इलेक्ट्रिकल आउटपुट को हमें बढ़ाना पड़ेगा, जितनी डिमांड होती है तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें सप्लाई करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट जब बढ़ाएंगे हम तो वो कैसे बढ़ेगा, आपका इनिशियली वो स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी जो होगी आपकी मोटर के अंदर वो एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करने में, क्योंकि शुरुआत में स्टीम इनपुट क्या होगा हमारा कॉन्स्टेंट होगा बिकॉज गवर्नर को कुछ टाइम लगता है एक्ट करने में, ठीक है। तो मशीन क्या हो जाएगी हमारी, अब यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा हो गई है और मैकेनिकल एनर्जी कम हो गई है ना, तो मशीन क्या करेगी, डी एक्सेलरेट, सेम स्विंग इक्वेशन डी क्यू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर, पी हमारा कॉन्स्टेंट है पी एम, लेकिन पी ई हो गया इंक्रीज, तो जो ये वाला पार्ट है वो हो गया आपका लेस देन जीरो, मशीन हो गया डी एक्सेलरेट, और जब मशीन डी एक्सेलरेट होती है तो स्पीड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और जब स्पीड रिड्यूस हो जाती है तो डी डेल्टा बाई डी टी जो होता है ओमेगा माइनस ओमेगा एस वो लेस देन जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है ना, तो स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो रिड्यूसेस, क्योंकि यहाँ से एक्सेलरेशन हमारी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज लेस देन जीरो, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मशीन डी एक्सेलरेट कर दिया, फ्रीक्वेंसी हमारी
कम हो जा रही है बिकॉज स्पीड हमारी कम हो जा रही है. ठीक है, इतनी बात समझ लें, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, नो प्रॉब्लम. यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? भगवती, सुभु, सुरेश, महेश, मनीषा? नो सर. तो अभी तक हमने ये पढ़ाया कि अगर डिमांड हमारी बढ़ती है, ठीक है, तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें बढ़ाना पड़ेगा. लेकिन इलेक्ट्रिकल आउटपुट बढ़ाने के लिए आपको स्टीम का वॉल्व ओपन करना पड़ेगा, है ना. ज़्यादा स्टीम आप टर्बाइन पे जानी चाहिए, तभी हमारी इलेक्ट्रिकल आउटपुट बढ़ पाएगा. ठीक है, लेकिन इनिशियली क्या होता है कि स्पीड गवर्नर फास्ट एक्टिंग नहीं होता, स्पीड गवर्नर को टाइम लगता है. ठीक है, तो शुरुआत में जो मोटर होता है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट को बढ़ा देता है. ठीक है, और ऐसा करने में होता ये है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. तो बात क्लियर हो गई? अब चलते हैं हम स्पीड गवर्नर की तरफ. ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर देना है 0.02 0.02. तो इस चीज़ को आप ध्यान कर लेना कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 49.5 से कम नहीं हो सकती, है ना. समझ आ रही बात? 1% चेंज का मतलब क्या है, जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम, यानी कि जो रिडक्शन आ रहा है फ्रीक्वेंसी में वो 49.5 से कम नहीं हो सकता, है ना. यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट होगी, अगर मैक्सिमम लिमिट बनाए रिडक्शन में 49.5 हर्ट्ज, ये बात क्लियर हो गई. तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है हमारी, और फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है, और जो फ्रीक्वेंसी रिडक्शन है मैक्सिमम पॉसिबल वो 1% का है, यानी 59.5 हर्ट्ज इट्स द मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट. कल हमने ये देखा था कि भाई अब फ्रीक्वेंसी जब चेंज हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब स्पीड गवर्नर सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा टू मेंटेन द सिस्टम फ्रीक्वेंसी. क्यों? क्योंकि अब हमें क्या करना है, जनरेशन को बढ़ाना है, और जब जनरेशन डिमांड से मैच हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी फिर से हमारी 50 हर्ट्ज बन जाएगी. ठीक है, तो ये कौन करेगा, हमारा जनरेशन ही गवर्नर ही कर सकता है. तो अब गवर्नर का मेन रोल आता है यहाँ पे. कल हमने ये वाला डायग्राम देखा था. ठीक है, इसमें जब भी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आ रहा था तो हमने कल यहाँ पे केस देखा था कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी हो रही थी, बढ़ रही थी. ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं अगर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है. तो अगर फ्रीक्वेंसी हमारी रिड्यूस हो रही है तो उस केस में ये जो
स्पीड चेंजर है, ये आपका नीचे जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो दैट इट विल गो डाउन, और डाउन जाने से ऊपर गया। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि स्पीड गवर्नर आपका ये है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये जो स्पीड गवर्नर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि बॉल्स लगे होते हैं, ठीक है, और ये बॉल जब स्पीड गवर्नर हमारा इसके साथ अटैच्ड होता है, ये टर्बाइन की शाफ्ट के साथ अटैच होता है, ठीक है, इन बिटवीन होता है टर्बाइन की शाफ्ट और आप टर्बाइन की शाफ्ट से जब ये अटैच होता है तो ये बताता है कि स्पीड हमारी चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से एक्ट करता है। मान लो कि स्पीड हमारी क्या हो रही है, अगर बढ़ती है तो ये आउटवर्ड जाता है, इस तरीके से ये आउटवर्ड जाते हैं दोनों बॉल्स, तो ये जो बी पॉइंट होता था वो नीचे की तरफ आ जाता था, है ना, ये कल हमने पढ़ा था। अब अगर यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है ना, स्पीड जब इंक्रीज हो रही है, तेज़ तेज़ घूम रही है हमारी टर्बाइन, ठीक है, तो ये जो गवर्निंग मैकेनिज्म है ये भी बहुत तेज तेज रिवॉल्व करता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो बॉल बियरिंग मैकेनिज्म होता है यहाँ पे लगा हुआ, ये क्या होता है बाहर की तरफ एक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और ये बाहर की तरफ मूवमेंट करते हैं ये बॉल्स, और जो ये बी पॉइंट है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होता था, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है, क्लियर है। स्पीड गवर्नर हमारा टर्बाइन की शाफ्ट के साथ अटैच होता है, ठीक है, और जब स्पीड बढ़ती है तो ये बॉल्स आउटवर्ड मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये बी पॉइंट जो यहाँ पे है वो इनवर्ड मूव करता है, ठीक है, और अगर स्पीड क्या हो रही है हमारी रिड्यूस हो रही है, है ना, स्पीड क्या हो रही है हमारी रिड्यूस हो रही है, तो उस केस में ये जो बॉल्स हैं वो इनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, बॉल्स विल मूव इनवर्ड और जो बी पॉइंट है वो अपवर्ड मूव करेगा। जब ये बी पॉइंट अपवर्ड मूव करेगा तो ये रिजिड लिंक है ए बी सी पाइवोटेड एट बी, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो शाफ्ट है ए बी सी वो एक साथ मूव करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है ये भी आपका ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, जब जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आप इसको समझ सकते हो कि ये वाला पिस्टन यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और ये वाला पिस्टन आपका यहाँ पहुँच गया। अब जो ऑयल है आपका वो किस पाथ को फॉलो करेगा, वो इस पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है, और पुश करेगा किसको, इस पिस्टन को डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो ये पिस्टन क्या होगा डाउनवर्ड्स पुश हो जाएगा, ठीक है, और जैसे ही डाउनवर्ड पुश हो जाएगा तो ऑयल सारा जो इसके इधर वाला ऑयल है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये डाउनवर्ड पुश होने की वजह से क्या होगा, इसके जो मूवमेंट होगी यानी कि ये जो नोजल को क्लोज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड मूव करेगा, तो आप इसको ऐसे समझ जाओ कि ये डाउनवर्ड मूव करेगा, तो स्टीम जो ऊपर से इस तरीके से आ रही है उसके लिए मोर पैसेज हो जाएगा और मोर स्टीम अब टर्बाइन की तरफ जा सकती है, ठीक है, मोर स्टीम टू टर्बाइन। समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट है तो पूछो। महेश सुभी सर, वो शुरू का जो वो वॉल्व है वो लोअर और राइज है, इसका थोड़ा लोअर और राइज ये क्या है कि ये पोजीशन बता रहा है ना, फ्रीक्वेंसी को सेंस करके, है ना, ये यहाँ से आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जब आपका लोअर जाएगा, ठीक है, या ये रेज होगा तो ये बताता है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज हो रही है, यानी यहाँ से हम एक आउटपुट लेते हैं, है ना, ये क्या है, एक मेजरिंग उसकी तरह हो गया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह हो गया, यहाँ से हम जो भी हमारा मेजरमेंट आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, जहाँ पर मैंने ये आउटपुट लिखा है, लेकिन जो गवर्निंग मैकेनिज्म है वो कहाँ से काम करेगा, वो इस पॉइंट से काम करेगा, यानी कि ये गवर्नर जो आपको यहाँ लगा हुआ है इसके पहले यहाँ पे क्या होगी, टर्बाइन की शाफ्ट, टर्बाइन की शाफ्ट से ये गवर्नर अटैच्ड है ना, और ये गवर्नर जब फंक्शनिंग कर रहा है टू ओपन और क्लोज द स्टीम
तो यहाँ पे आपको सेंस करने के लिए मिलेगा, ये आपका क्या है एक मेजरिंग डिवाइस की तरह हो गया, ठीक है, ये एक पॉइंटर की तरह हो गया, जैसे कि ये पॉइंटर मैंने बनाया ना यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंटर मैंने बनाया है यहाँ, ये इसकी तरह है, ठीक है। उस पर आपको इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, फोकस करने की इस वाले पॉइंट पर, बस आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ जाना चाहिए, ये गवर्नर में हो के रहा है, ठीक है, टर्बाइन की शाफ्ट ये है और ये गवर्नर है, ये बॉल्स हैं यहाँ पे, और जब गवर्नर आपका गवर्नर आपका डी एक्सेलरेट होगा ना, अभी पढ़ाया मैंने कि जब डिमांड आपकी बढ़ेगी तो स्पीड क्या होगी टर्बाइन की शाफ्ट की, वो रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस स्पीड होने के कारण ये जो बॉल्स हैं यानी कि टर्बाइन की शाफ्ट धीरे धीरे घूम रही है, तो ये जो बॉल्स होंगे वो इनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, और इनवर्ड मूव करने की वजह से ये वाला जो पॉइंट होगा बी पॉइंट जो होगा वो अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, और जब ये अपवर्ड मूव करेगा तो ये रिजिड लिंक है ए बी सी और सी डी, तो सी डी ई जो पूरी की पूरी शाफ्ट है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, उसके ऊपर मूव करने से क्या होगा, जो ये पिस्टन यहाँ पे लगे हुए हैं, ये वाला पिस्टन और ये वाला पिस्टन, ये दोनों पिस्टन ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे ही ऊपर आएगा तो ऊपर वाला पैसेज बन जाएगा आपके लिए, ठीक है, तो जो भी वायर यहाँ से आ रहा है वो इस पाथ को फॉलो करेगा और इस पिस्टन को हिट करेगा, ठीक है, तो ये पिस्टन क्या होगा कहीं यहाँ पर मूव हो जाएगा, और जब ये पिस्टन यहाँ पर मूव हो जाएगा तो जो ये है आपका, ठीक है, ये जो क्लोजर है यहाँ पे स्टीम क्लोजर, वो आपका डाउनलोड मूव हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम आप क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं वर्ड्स दैट टर्बाइन, ठीक है, तो यही जो गवर्निंग मैकेनिज्म है, उस गवर्निंग मैकेनिज्म को एक्चुअली ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो इसको हमें कंट्रोल सिस्टम की तरह देखना होगा, ठीक है, और जो कंट्रोल सिस्टम है वो इसके लिए आप कुछ ऐसे देख सकते हैं, दिस इज योर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम वॉल्व है, गेट है और स्टीम है, वाटर आ रही है टर्बाइन के ऊपर, स्टीम और वाटर एक्ट करते हैं, ठीक है, और जो शाफ्ट होती है उससे हमारा जनरेटर अटैच होता है, जनरेटर और टर्बाइन हमारे कपल्ड है, और जहाँ पे कपलिंग होती है वहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को सेंस करते हैं, ये कल भी मैंने बताया था, और ये केस किसका है, आइसो क्रोनस, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको वर्ड यहाँ पर ध्यान रखना है कि आइसो क्रोनस गवर्नर है, आइसो क्रोनस गवर्नर कहाँ यूज होता है, जब हमारे पास सिग्नल जनरेटर होता है, ठीक है, जनरेटर्स होते हैं वो जनरली पैरेलल में वर्क करते हैं, हमारा पावर सिस्टम और लोड को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो गवर्नर है वो केवल एक जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, बात क्लियर है, तो हम आगे बढ़ेंगे, एनी डाउट? नो सर। तो जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें क्या होता है कि एक आपके पास रेफरेंस होता है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दिस इज माय रेफरेंस एफ, ये रेफरेंस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और एक तरफ मेरे पास क्या है, सेंस फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, तो अगर मुझे डेल्टा एफ फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकता हूँ कि एफ माइनस एफ आर आपका डेल्टा एफ आपको यहाँ पर लग जाए, ठीक है, तो ये डेल्टा एफ जो भी हमारा गवर्नर है उसका जो इंटरनल मॉडल है उसमें एक गेन होगा और एक इंटीग्रेटर होगा, ठीक है, तो आफ्टर गेटिंग चेंज इन फ्रीक्वेंसी गवर्नर गेन के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इंटीग्रेटर फंक्शन उस पर लगता है, आफ्टर दैट इट प्रोड्यूस अ डेल्टा ई वैल्यू जो है गेट की पोजीशन के लिए कि गेट की पोजीशन क्या रहेगी, ठीक है, तो इस तरीके का एक कंट्रोल सिस्टम है आपके पास, इस कंट्रोल सिस्टम को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हो कि कंट्रोल सिस्टम सेम ये है विद स्टडी स्टेट फीडबैक, अभी मैंने बताया था आपको कि आइसोक्रोनस गवर्नर क्या होता है, एक ऐसा गवर्नर जिसमें आपका सिंगल जनरेटर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो ये गवर्नर केवल एक जनरेटर की फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, एक टर्बाइन जनरेटर की फ्रिक्वेंसी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर हमारे पास मोर देन वन जनरेटर्स हैं इन द सिस्टम, तो मोर देन वन जनरेटर इन द सिस्टम का मतलब है कि लोड शेयरिंग हो रही है यहाँ पे,
अगर हमारे पास लोड शेयरिंग बाय जनरेटर्स का केस आता है कभी भी, ठीक है, या पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल जनरेटर्स हैं, तो यहाँ पर हमें एक फीडबैक लेना पड़ता है कहाँ से, डेल्टा ई से, ठीक है। तो ये जो जनरेटर वाला लूप है वो आप इसको यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि ये वाला जो लूप है यहाँ पे हमें एक फीडबैक चाहिए, और वो फीडबैक क्या होता है, वो होता है ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो जनरेटर हमारा होता है उसमें हम ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, और वो जो ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो यहाँ पे जो जनरेटर होता है उसकी जो ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमें लेनी पड़ती है इन पैरेलल ऑपरेशन। तो अगर हमारे पास पैरेलली दो जनरेटर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों भी कुछ ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो हम थोड़ा सा लेटर ऑन देखेंगे। फिलहाल हमें ये पता है कि जो फीडबैक लिया है हमने वो क्या लिया है, आर रेगुलेटिंग स्पीड पैरामीटर। तो अगर इस कंट्रोल सिस्टम को मुझे सॉल्व करना है जस्ट इतने से पार्ट को, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या निकालना होता है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, मुझे निकालना है डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय डेल्टा ई, डेल्टा एफ डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा एफ। तो डेल्टा एफ यहाँ पे क्या है इनपुट, और डेल्टा ई क्या है आपका आउटपुट। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा एफ जो फंक्शन होगा आपका, ठीक है, वो क्या आएगा आपका नेगेटिव, आप अभी यहाँ ले लेते हैं क्योंकि ये माइनस एफ है। जस्ट इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना आपको आता है, ठीक है, इंटीग्रेटर है तो यहाँ पे वन बाय एस फंक्शन होगा, ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा के बाय एस डिवाइडेड बाय वन प्लस ए बाय एस इंटू आर, है ना, यही हुआ। उसको सिंप्लीफाई कर लो अगर, तो ये हो जाएगा के डिवाइडेड बाय एस प्लस के आर, और डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा एफ विल बी इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, के आर जो नीचे से के आर कॉन्स्टेंट निकाल रहे हैं बाहर, ठीक है, तो वन डिवाइडेड बाय के आर ऐसे ले लेते हैं हम नेगेटिव साइन, और इधर लिख लेते हैं के डिवाइडेड बाय वन प्लस एस डिवाइडेड बाय के आर, ठीक है, समझ में आ रहा है। के से हम यहाँ पे के को काट देते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा ई डिवाइडेड बाई डेल्टा एफ ट्रांसफर फंक्शन जो होगा वो क्या होगा आपका माइनस वन बाई आर मल्टीप्लाइड बाई वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एस टी जी, ठीक है, और जो टी जी है यहाँ पर ये होता है आपका गवर्नर स्पीड कॉन्स्टेंट। इनकी गवर्नर को एक्शन लेने में कितना टाइम लगेगा वो ये स्पीड कॉन्स्टेंट से पता लगता है, ठीक है। तो जो रिड्यूस्ड ब्लॉक डायग्राम है कुछ हिसाब आपका ऐसे आ जाएगा कि डेल्टा ई, ये रहा आपका डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस वन बाय आर मल्टीप्लाइड बाय वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एस टी जी, ठीक है, बात समझ में आ गई कि मैंने इसमें इसको कैसे सॉल्व किया है। यस सर, यहाँ पे मैंने सिंपल कंट्रोल सिस्टम का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, ये वाले पार्ट में जो आपको दिख रहा होगा, कंट्रोल सिस्टम तो पढ़ लिया है आप लोगों ने। यस सर, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया, ट्रांसफर फंक्शन
इसके बराबर होता है जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच के बराबर, है ना। अगर हमारा फीडबैक क्या है, नेगेटिव है ना, और ये किस क्या होता है, दिस इज सी एस बाय आर एस। तो सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया और हमने इस तरीके से फंक्शन निकाल लिया। तो यहाँ पे जो 1/r पैरामीटर है वो है आपका स्पीड रेगुलेशन, और जो 1/kr है वो है आपका गवर्नर स्पीड टाइम, गवर्नर टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है अभी तक जो भी पढ़ा हमने। यस सर। हम एक इम्पोर्टेंट चीज और देखते हैं, ये स्पीड रेगुलेशन होता है। ठीक है, जो हमने स्पीड रेगुलेशन यहाँ पे लिखा है आर, उसका क्या मतलब है? तो जो स्पीड रेगुलेशन पैरामीटर है आर, ये डिफाइन करता है कि स्टेडी स्टेट फ्रीक्वेंसी वर्सेस लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जनरेटिंग यूनिट। तो आप इस बारे में समझ सकते हो, एक तरफ हमारा क्या है, पावर आउटपुट है, अब हम सीधा जनरेटर पावर आउटपुट को फ्रीक्वेंसी से रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यही हमारा वो पैरामीटर है जो हमें बताता है कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी और जनरेटर आपस में लिंक कर रहे हैं, है ना। तो एक तरफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज और जो आउटपुट है वो आपका पर यूनिट में। ठीक है, तो इस आपको आप ऐसा समझ लो कि शुरुआत में जनरेटर आपका वर्क कर रहा था नो लोड फ्रीक्वेंसी में, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये एफ नो लोड। ठीक है, तो लोड नहीं है तो पावर आउटपुट भी कुछ नहीं होगा, पॉइंट आ जाएगा यहीं पर। ठीक है, उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है फुल लोड। फुल लोड के टाइम पे जनरेटर इज वर्किंग एट सम ऑपरेटिंग पॉइंट लाइक दिस, इतना पावर आउटपुट जनरेटर समय मिल रहा है 1.0। ठीक है, तो जितनी जनरेटर की रेटिंग होगी उतना आउटपुट हमें चाहिए, है ना। तो आप देख सकते हो कि एक पॉइंट हमें ना मिलेगा, और दिस इज वाई यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक हम जनरेटर की जो ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसे आएगी, इस तरीके की एक लाइन आएगी, है ना। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है फ्रिक्वेंसी और पावर आउटपुट को यहाँ पे। ठीक है, अगर जनरेटर हमारा लेट से सम एफ नॉट फ्रिक्वेंसी पे वर्क कर रहा है इनिशियली, हम ये मान के चलते हैं हमारा जनरेटर अब एक एफ नॉट फ्रिक्वेंसी पे वर्क कर रहा था, तो सडनली क्या हुआ, हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई। डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। आप पढ़ चुके हम, तो फ्रीक्वेंसी हो गई रिड्यूस, तो हम फ्रीक्वेंसी को कर देते हैं रिड्यूस यहाँ पे, ये हो गई फ्रीक्वेंसी रिड्यूस। और फ्रीक्वेंसी कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इसको शो कर रही है जब डिमांड हमारी बढ़ गई है और फ्रीक्वेंसी हमारी रिड्यूस हो गई है। ठीक है, और उस केस में हमारी फ्रीक्वेंसी सम एफ फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि एफ नॉट फ्रीक्वेंसी पे जब मशीन वर्क कर रही थी तो हमें एक ऑपरेटिंग पॉइंट मिल रहा था इस तरीके से डाउनवर्ड, और हमारी मशीन कितनी पावर डिलीवर कर रही थी, लेट्स से E1। आफ्टर डिमांड इंक्रीज, तो डिमांड इंक्रीज हो गई तो पावर आउटपुट भी बढ़ाना पड़ेगा, तो पावर आउटपुट आपको पता लग रहा है कि पावर आउटपुट भी बढ़ गया, तो ये हो गया P2 पावर आउटपुट। और इस केस में जब डिमांड इंक्रीज हुई तो पावर आउटपुट तो बढ़ गया लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, है ना। सेम ग्राफ हमें ये भी शो करता है। तो अगर मैं बोलूँ कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय चेंज इन पावर आउटपुट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एफ नॉट
माइनस एफ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका वी टू माइनस वी वन, है ना। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट माइनस एफ, जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, एंड जो डेल्टा पी है पी टू माइनस पी वन, इन दोनों का जो रेशियो है उसी को हम आर बोलते हैं, ठीक है। और वही हमारा क्या होता है, स्पीड रेगुलेशन पैरामीटर, ठीक है। तो रेशियो ऑफ डेल्टा एफ विद रिस्पेक्ट टू पावर डेल्टा पी इज इक्वल टू, ठीक है, दिस स्लोप इज स्पीड रेगुलेशन और आर, ठीक है, ये क्लियर है। एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो एक लास्ट चीज है, हम इसको भी देख लेते हैं क्विकली, बिकॉज ये हमारा कंटिन्यूस टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें हमने अभी तक आज सबसे पहले देख लिया कि फ्रीक्वेंसी किस तरीके से चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी जब डिमांड बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, रिड्यूस होती है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी आपसे कहीं पर भी इसको पूछ सकता है। फ्रीक्वेंसी का जो मैक्सिमम डेविएशन है वो 1% तक जा सकता है, यानी कि 49.5 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो सकती है सिस्टम में। फ्रीक्वेंसी सिस्टम में रिड्यूस क्यों हो रही थी, क्योंकि जो रोटर का मास है उसने काइनेटिक एनर्जी वो स्टोर कर रखी है, वो अब काइनेटिक एनर्जी कहाँ डिलीवर कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिलीवर कर देता है टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल आउटपुट, बिकॉज गवर्नर स्टीम वाल्व को इतने फास्ट फ्लो ओपन नहीं कर पाता है, ठीक है। अब हम आते हैं गवर्नर के ऊपर। तो गवर्नर का एक्शन हमने पढ़ लिया, गवर्नर किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसके बाद गवर्नर का कंट्रोल सिस्टम और उसके लिए उसका ट्रांसफर फंक्शन हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन फॉर गवर्नर, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, है ना। तो इसको ध्यान में रखना है आपको, डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा एफ इज वन माइनस वन बाय आर वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एस टी जी, एस टी जी इज द स्पीड कॉन्स्टेंट ऑफ द गवर्नर, ना कितना फास्ट गवर्नर एक्ट करेगा वो आपको यहीं से पता लगेगा, है ना। टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द गवर्नर, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी और जो आउटपुट है उसका जो ग्राफ है, उन दोनों का जो लिंक है वो क्या है आपका, ये आर स्पीड रेगुलेशन पैरामीटर। तो स्पीड रेगुलेशन मतलब आर इज इक्वल टू डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय डेल्टा, और हम इस कह सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द आपकी नॉमिनल फ्रीक्वेंसी और जो आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद में जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में देखेंगे तो एक फॉर्मूला हमारे पास और होता है, उसके लिए देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कि लोड शेयरिंग बाय टू जनरेटिंग यूनिट्स। अगर हमारे पास दो जनरेटिंग यूनिट्स हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक जनरेटिंग यूनिट आपकी उसको आप ऐसे समझ लो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है
टॉपिक को क्या है कि नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूँ। ये टैबलेट अभी सही से काम नहीं कर रहा है, रुक गया है। ठीक है,